So now we will discuss the mechanism of action of enzymes. कोई भी reaction जो particularly carry out कर रहे हैं enzymes. Chemical nature हमने पढ़ लिया, हमने classification भी पढ़ाया कि किसी भी तरह के reaction transferase है, oxidation reaction reactions है, hydrolation है या simply ligation है. सभी तरह के बारे में enzymes particularly एक standard rule को follow करते हैं. Different scientists ने enzymology पे work किया है, enzymes पे work किया है. दो important scientists थे, Michaelis and Menten. उन्होंने एंजाइम काइनेटिक्स को स्टडी किया था. हम एंजाइम काइनेटिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में आगे. तो वो स्टडी कर रहे थे ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर बाय यूजिंग इनवर्टेड एंजाइम. तो उन्होंने एक बेसिक मैकेनिज्म बताया कि एंजाइम्स जो होते हैं वो सब्सट्रेट के साथ, एंजाइम्स सब्सट्रेट के साथ पर्टिकुलरली अटैच होते हैं. उस अटैचिंग साइट को एक्टिव साइट बोलते हैं. ये भी मैंने क्लास में बताया. क्योंकि सब्सट्रेट आकर एंजाइम पर अटैच होता है, या हम ये भी कह सकते हैं एंजाइम जाकर पर्टिकुलरली सब्सट्रेट के साथ जब अटैच होता है तो अपनी एक पर्टिकुलर साइट से अटैच होता है, उस पर्टिकुलर साइट को एक्टिव साइट बोलते हैं. ठीक है, ये एक्टिव साइट क्या है इसके बारे में भी बताया था केमिकल लेक्चर्स में कि एक्टिव साइट जो है वो, जैसे मान लीजिए कोई सिंपल एंजाइम पूरा का पूरा प्रोटीन से बना हुआ है, तो उसके मोस्ट एक्टिव अमाइनो एसिड्स की जो मोस्ट एक्टिव साइट चेन है, इसी का अमाइनो एसिड की साइट चेन होती है, वही मिलकर क्या बनाते हैं, एक्टिव साइट बनाते हैं. कैटालिटिक प्रॉपर्टी या जो भी प्रॉपर्टी एंजाइम शो करता है वो उन अमाइनो एसिड के साइड ग्रुप की वजह से शो होता है. ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड को उसमें कोई रोल नहीं. कंजुगेटेड अगर एंजाइम है जिसमें कोफैक्टर भी प्रेजेंट है तो उस तरह के एंजाइम्स में जो एक्टिव साइट बनाई जाती है वो कोई मेटल्स भी बना सकते हैं या उसके अलावा कोई और ऑर्गेनिक ग्रुप जैसे विटामिन. बहुत से कॉमन विटामिन मैंने बताया था जैसे थियामिन पाइरोफॉस्फेट, पिरिडॉक्सल फॉस्फेट. ठीक है, उसके अलावा वो एंजाइम, तो ये सारे जो ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं वो उस एक्टिव साइट को फॉर्म करते हैं. माइकेलिस और मेंटन ने ये कहा कि जब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम पढ़ें तो एक तो हम पढ़ें एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. जब भी कोई रिएक्शन कैरी आउट होगी तो एंजाइम सब्सट्रेट के साथ कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. ठीक है, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे. सेकंड, उन्होंने कहा कि एंजाइम की जो मेन वर्किंग होती है, जो एंजाइम काइनेटिक्स है, वो एनर्जी पर डिपेंड करती है, फ्री एनर्जी पर, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पर, और सबसे मेन एक्टिवेशन एनर्जी पर. तीसरा, उन्होंने खुद का एक जो है पर्टिकुलर एक फॉर्मूला दिया एंजाइम काइनेटिक्स में, एक रिएक्शन चेन जिसको माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट कहते हैं. काइनेटिक्स में ठीक है डायनामिक, यानी जब आपका किसी भी चीज का रेट चेंज होता है तो वहां पर सब्सट्रेट कंसंट्रेशन या उनके जो आपका पर्टिकुलर पीएम जो कांस्टेंट था उसके बीच में क्या रिलेशन है वो भी हमें पता है. तो ओवर काइनेटिक्स सिलेबस में है नहीं एंजाइम काइनेटिक्स, पर वो भी हम बेसिक्स पे डिस्कस करेंगे. तो ये तीन चीजें मेनली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में काम करती हैं. ये केवल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, रेगुलेशन भी अभी हम पढ़ेंगे, बट एक्शन में उसका कोई रोल नहीं. तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना, फ्री एनर्जी काइनेटिक एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी. क्योंकि कंटिन्यूअसली मान लीजिए कोई भी सब्सट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, मान लीजिए कोई ए सब्सट्रेट है जो कंटिन्यूअसली बी में चेंज होता जा रहा है, विदाउट एंजाइम सब्सट्रेट के सारे मॉलिक्यूल्स के पास इतना एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है या इतनी एनर्जी नहीं है कि वो रिएक्शन होने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, पर्टिकुलर जो ट्रांजिशन स्टेट चाहिए उस स्टेट पर जाकर के अगर रिएक्शन अकर होगी तो सभी मॉलिक्यूल्स उस ट्रांजिशन स्टेट को टच नहीं कर पाते. ट्रांजिशन स्टेट को टच करने के लिए मान लीजिए ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये मॉलिक्यूल्स है, सभी ट्रांजिशन स्टेट को टच नहीं कर पाते. टच करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. तो सब मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी सेम नहीं है, एक ही जैसी नहीं है, सभी की एक्टिवेशन एनर्जी एक जैसी नहीं है. तो एंजाइम्स क्या करते हैं, जैसे एंजाइम्स डाल देंगे आप इस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा सभी ऑलमोस्ट सभी सब्सट्रेट्स उस ट्रांजिशन स्टेट को टच कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा आपकी जो रिएक्शन है वो कैरिड आउट हो जाएगी. तो कैसे लोअर करते हैं, लोअरिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. और माइकेलिस और मेंटन का क्या जो है कांस्टेंट का क्या इक्वेशन थी वो भी हम पढ़ेंगे. एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट स्टेप जो होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, एक बेसिक फॉर्मूला है कि सबसे पहले एंजाइम्स जाकर सब्सट्रेट से अटैच होने जाते हैं एक्टिव साइट पे, उससे बनता है एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स.
एंजाइम जब सब्सट्रेट से अटैच हो गए तो सब्सट्रेट के साथ परमानेंट अटैच रहते हैं, वहां कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मान लीजिए कोई भी सब्सट्रेट का ये एंजाइम है, ये है सब्सट्रेट, ठीक है, सब्सट्रेट से अटैच होगा, एंजाइम गया सब्सट्रेट के पास, दो मॉडल होते हैं, लॉकेट की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल, वही हमने पढ़ लिए हैं, ये इस कॉम्प्लेक्स कंडीशन में पढ़ेंगे हम। एंजाइम जब सब्सट्रेट के साथ अटैच हुआ तो यहां एक्टिव साइट से भी अटैच हो गया, यानी ये किसकी एक्टिव साइट है, ट्रिपल स्टडी हम पढ़ रहे हैं लॉकेट की मॉडल के, जैसी एक्टिव साइट होती है अकॉर्डिंग टू लॉकेट की मॉडल फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इज एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री शेप के सब्सट्रेट से एक्टिव साइट जो बाइंड, यहां बाइंड होने के बाद एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, इस पर अब एक्टिव साइट क्योंकि इसी के पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी है या जो भी इसके साथ करना है, मान लीजिए लाइगेशन कराना था तो दो सब्सट्रेट्स को ही लेके आता है, एक सब्सट्रेट और लाता है इसी एक्टिव साइट पर, हम यहां मान लीजिए कैटालिटिक या डिग्रेडिंग रिएक्शन पढ़ते हैं, इसी सब्सट्रेट का ब्रेक डाउन करना है, तो ये कैटालिटिक साइट यहां वर्क करेंगे और इस सब्सट्रेट का ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये बनाएंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये बनाएंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, तो यहां फाइनली प्रोडक्ट बन चुका होगा एंजाइम के साथ। प्रोडक्ट क्या है कि सब्सट्रेट को दो पार्ट्स में तोड़ना है, मान लीजिए ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, यहां क्लीवेज किया गया, फिर फाइनली बनेगा प्रोडक्ट, और एंजाइम अपनी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन में वापस रिलीज हो जाएगा दूसरे सब्सट्रेट के साथ बाइंड करेंगे, तो एज इट इज यहां प्रोडक्ट बह जाएगा, एंजाइम बन जाएंगे, और हमें कुछ एक सब्सट्रेट का फाइनली क्या प्रोडक्ट मिला कि हमें दो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिल गए। ये एक जनरल रिएक्शन है कि एंजाइम सब्सट्रेट से अटैच होते हैं, पहले टीएस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और फिर फाइनली क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो फर्स्ट थिंग में कि एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती कैसे है, उसके लिए दो मॉडल पढ़े जाते हैं, एक लॉक एंड की मॉडल और एक इंड्यूस फिट मॉडल, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे। Lock and key model was proposed by see these are only models just to explain the binding of enzyme and substrate, or we can simply say for the formation of enzyme substrate complex there were two models were given, lock and key model and induced fit model, although the induced fit model is acceptable, ye kafi saal tak chala tha lekin acceptable nahi kyunki iske according product bahut kam banta hai, theek hai, dono ke liye explain karenge। सेकेंड इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल, तो ये पूरे एंजाइम एक्शन को शो नहीं करते, ये केवल शो करते हैं क्या, टीएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को शो करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बता देता हूं, ये दिया था आपका एंगल फिशर में और ये दिया था पोस्ट में, पॉल फ्लिडर और डीडी वुड्स दो साइंटिस्ट थे, फिशर ने तो ये मॉडल के बाद दिया था, इसको और एलिब्रेट जो किया था, डिटेल में जो वर्क किया था वो फिशर जो आपका डीडी वुड्स और फिल्डर दो साइंटिस्ट थे, फिल्डर इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया था पोस्टलैंड ने, इसके अकॉर्डिंग रॉकेट की मॉडल के अकॉर्डिंग एंजाइम की कॉम्प्लीमेंट्री शेप, मान लीजिए ये कोई एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप का है, एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री शेप का सब्सट्रेट ही यहां बाइंड कर सकता है, मान लीजिए ये सब्सट्रेट 1 है, ये सब्सट्रेट 2, तो ये एंजाइम कभी भी 2 के साथ बाइंड नहीं कर सकता, जैसे किसी पर्टिकुलर लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है, किसी भी एक लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है, इसी तरह से हर एक सब्सट्रेट का एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, या हम उल्टा भी कह सकते हैं हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक सब्सट्रेट होता है, अगर ऐसा होता इस मॉडल के अकॉर्डिंग तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन वेरी वेरी लो होती, क्योंकि सभी सब्सट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर पाता, स्पेसिफिक के साथ बाइंड करता, इसको और मॉडिफाई किया था कोचलैंड ने, उन्होंने कहा कि एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग होती है, किसी भी रिएक्शन में जहां सब्सट्रेट्स अवेलेबल हैं और ब्रॉड स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं तो वो बहुत से सब्सट्रेट्स के साथ बाइंड कर सकते हैं ताकि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो, ठीक है, जरूरी नहीं है किसी भी शेप का सब्सट्रेट हो, किसी भी शेप का एंजाइम अपनी शेप खुद चेंज कर लेगा अकॉर्डिंग टू द सब्सट्रेट, ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल में कहा गया, ठीक है, तो ये दोनों मॉडल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। So, एक बेसिक मैं कह दीजिए, मैंने बताया कि एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, उसमें ये दो हमने पढ़े हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि आपका एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कैसे किया जाता है, ग्राफ में फ्री एनर्जी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे माइकलिस मेंटन इक्वेशन या एंजाइम काइनेटिक्स।